नाजरिन इंसान की ज़िंदगी हर लम्हा मसाइब व मुश्किल में घिरी रहती है कई तरह के मुतव़ और गैर गैरमतव़रात वक्फफे वक्फे से इंसान को बेचैन किए रहते हैं कभी माल व दौलत की तबाही का ख़तरा लगा रहता है तो कभी तजारत व कारोबार में नुकसान का खतरा लगा रहता है कभी ख़ुद की और कभी औलाद की सेहत को तबाह करने वाली बीमारियों का अंदेशा तो कभी नागहानी आफतों का ख़तरा ये सारे अंदेशे और ख़तरे इंसान के चैन व सुकून को तबाह किए हुए हैं इन मसाइब मुश्किल से बचने के लिए इंसान मुख्तलिफ तदाबीर इख्तियार करता है कुछ नादान ऐसे भी हैं जो जायज़ और नाजायज़ की परवाह किए बगैर हर तरीक़े को अपनाते हैं जिससे कतरास से बचा जा सके बल्कि अक्सर लोग इन कतरास से बचने के लिए नाजायज़ तरीक़ों को ही इख्तियार करते हैं उन्हीं नाजायज़ तरीक़ों में से एक तावीज़ गंडों का इस्तेमाल भी है बाज़नों लोग ये समझते हैं कि तावीज़ गंडों का लटकाना हमारे सारे मसाइल को हल करने के बराबर है हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे मुश्किल दूर हो जाएंगी बीमारियों और बलाओं से नजात इंसान को मिल जाएगी तिजारत नुकसान से महफूज रहेगी इस ग़लत तस्वूर की वजह से ताबीज़ गंडों का रिवाज आवाम में आम होता जा रहा है बाज़ दुनिया परस्त और नाम नहादमा पीर मुरशद और आमिल हजरात इसको कमाई का ज़रिया बनाकर आवाम को गुमराह कर रहे हैं हजरत तावीज़ की तारीफ आइए हम जानने की कोशिश करते हैं शेख अली बिन नाइफ़ वो लिखते हैं बीमारी नज़रबद या किसी लायक शुदा या मुतव मुसीबत से बचने के लिए सी की शक्ल में या लकड़ियों की शक्ल में या धागों की शक्ल में या कागज़ वगैरह की शक्ल में जो चीज़ें गले में लटकाई जाती हैं या हाथ में बांधी जाती हैं उसे तावीज़ कहा जाता है आइए हम जानते तावीज़ का हुक्म शरीयत में क्या है नाजर निकराम दौर जाहिलियत में लोग अपने बच्चों मरीजों और जानवरों के गलों में ऐसे तावीज़ बांधा करते थे जिन परमूम शर्किया और खफ्रिया क़लिमात दर्ज होते हैं। और लोग ये एहतिक रखते थे कि ये तावीज़ा बजाते ख़ुद इतनी तासीर रखते हैं कि उनके ज़रिए बीमारों को सेहत मिलती है और जैसे तावीज़ बांधा जाए उसकी तावीज़ ही की बरकत से शैतानी असरात और नज़रबद वगैरह से महफूज हो जाता है इस तरह का लोग ख्याल रखते थे ये लोग कागज़ और चमड़ा वगैरह के तावीज़ों के अलावा मुख्तलिफ़ मनकों और सीपियों वगैरह के हार बनाकर इसी एहतिकात के साथ बच्चों और जानवरों की गर्दनों में डाल दिया करते थे उनमें से अक्सर तावीज़ों पर चूँकि शिरकिया और कुफ्रिया बातें दर्ज होती थीं और फिर आम लोग ये अकैदा भी रखते थे कि उनमें खुद इतनी तासीर है कि उनके जरिए बीमारियों सेहत मिलती है और जैसे तावीज़ बांधा जाए वो नजरबद से महफूज़ हो जाता है तो इन चीज़ों के पेश नज़र अल्लाह के रसूल ऐसी तमाम तावीज़ों को शिरकिया करार दिया है और उनसे इजतनाब का हुक्म दिया है नाजरकरवीज़ अगर कोई इंसान लटकता है उसके क्या क्या नुकसान इंसान को हो सकते हैं आइए हम जानने की कोशिश करेंगे तावीज़ गंडों को नफ़ा हासिल करने और नुकसान से बचने का ज़रिया समझा जाता है जबकि वाक़ ये है कि उससे ना फ़ायदा हासिल हो सकता है और ना ही नुक़सान दूर हो सकता है हजरत अकबा बजी अल्लान फ़रमाते हैं अल्लाह के नबीसम ने फरमाया फ़लामल मुस्त अहमद की रिवायत है सही रिवायत है जिसने तावीज़ लटकाई अल्लाह उसका काम पूरा ना करे अल्लाह उसका काम पूरा नहीं करेगा और तावी लटकाने का दूसरा नुकसान ये है ये चीज़ दुनियावी व उखरवी दोनों जहाँ की तबाही का ज़रिया बनती है दुनियावी नुकसान ये होता है कि उसकी वजह से आदमी के वम गुमान में और बीमारी और परेशानी में मज़ीद इजाफा होता जाता है और उखरवी नुकसान ये होता है कि उस गैर शरी व वसीले को अपनाने की वजह से इंसान कामयाबी से महरूम हो जाता है

इससे तुम्हारी कमज़ोरी दूर नहीं होगी बल्कि उसमें तुम्हारी कमज़ोरी में इजाफा होगा शक की बीमारी इंसान को लायक हो जाएगी तो नाजिर कर दुनिया और आखिरत इंसान की ये तावीज़ों की वजह से बर्बाद हो जाती है तीसरा नुकसान ऐसा शख्स अल्लाह ताला की इनायतों से महरूम हो जाता है अल्लाह की मेहरबानियों से महरूम हो जाता है जो शख्स तावीज़ पर आकीदा रखता है तो अल्लाह ताला उसे उसी के सुपुर्द कर देता है उसे अपनी रहमत से दूर कर देता है ऐसा बिन हमज़ा रहमतुल्लाह जनी फ़रमाते हैं कि एक मरतबा मैं अब्दुल्ला बिन हकीम की आदत के लिए गया उनसे कहा इस बीमारी से शिफा याबी के लिए आप कोई तावीज़ बांध लेते आप अल्लाह ने जवाब दिया उससे तो मौत बेहतर है क्योंकि अलैहि वसल्लम का इरशाद है मानता जो शख्स अपने गले में या बाज़ू में कोई तावीज़ बांधा या लटकाता है तो उसकी जिम्मेदारी उसी तावीज़ धागे के सुपुर्द कर दी जाती है तिरविजी की रिवायत है नाज़रीन न कराम इसके बरक्स जो शख्स अपना ताल्लुक़ सिर्फ़ अल्लाह से रखे और इसी पर भरोसा करे तो अल्लाह तबारो को ताल उसकी तमाम ज़रूरतों को पूरा करने का ज़िम्मा लेता है चुनानचे अल्लाह तबारो को ताल का अर्शाद है मै तवक्ल्लासबू जो शख्स अल्लाह ताला पर भरोसा करेगा अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाएगा अल्लाह तबारो को ताल उसकी ज़िंदगी के सारे मसाइल को हल कर देगा अगर जो शख्स वाकता अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करता है नफ़ा देने वाला वही नुकसान पहुंचाने वाला वही हमें बीमारी देने वाला वही हमें बीमारी को दूर करने वाला वही, हमारे परेशानियों को दूर करने वाला वही, हमारे कर्ज़ों को फेड़ने वाला वही वाजस भाइयों हमारे मसाइल को हल करने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है इस पर अगर मेरा और आपका भरोसा हो जाए तो अल्लाह अल्ला को ताला हमारी मदद के लिए काफ़ी है वो तवक्कल अल्लाह, तो हसबू जो शख्स अल्लाह ताला पर भरोसा करेगा अल्लाह ताला उसके लिए काफ़ी हो जाएगा नाजरीन इक्राम तावीज़ गंडों के इस्तेमाल से एक चौथा नुकसान इंसान को ये होगा कि आदमी का ईमान कमज़ोर पड़ जाता है तावीज़ लटकाने वाला तावीज़ पर इतना एतमाद कर लेता है कि आहिस्ता आहिस्ता उसके ईमान और तवक्कुल की कैफियत में कमी आ जाती है यहाँ तक कि किसी वक्त अगर तावीज़ पास ना हो या तावीज़ गुम हो जाए तो वह इतना घबरा जाता है कि कोई अहम काम करने की हिम्मत नहीं करता बल्कि डर और वह से बीमार हो जाता है और जब तावीज़ मिल जाए तो फिर अपने आप को तंदुरुस्त समझने लगता है ये सब क्या है मेरे भाई ये सब ग़लत चीज़ें हैं अगर इंसान तावीज़ पर भरोसा कर लेता है तो उसकी ये सब नफ्सियाती असरात होते हैं मगर ऐसे लोग उन्हीं नफ्सियाती असर समझने के बजाय तवीज़ का असर समझते हैं यह चीज़ आगे चलकर ईमान की तबाही और शर्क में मुलविस होने का जरिया बनती है इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तावीज लटकाने को शिर असगर करार दिया मन फ़क़द अशरक दियारुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी किताब असल असलतलहादयाम इसको जिक्र किया है जिसने तावीज़ लटकई उसने श्रिक किया नाजरन क़राम एक मरतबा हजरत अब्दुल्ला बिन मसूर रजील्ला की बीवी बीमार हो गई वाक से सुनिए कैसे इंसान को शैतान गुमराह करता है और हजम हमारे माशरे में भी लोग ऐसे ही सवाल का जवाब देते हैं अब्दुल्लह बिन मसूल रजी अल्लाह बीवी बीमार हो गई अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह उन्होंने देखा कि उनके गले में एक धागा लटका हुआ है अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह रजिया उनको काट कर फेंक दिया उस धागे को और कहा तुम शुरु अब्दुल्ला के खानदान वालों को शर्क से दूर रहना चाहिए फिर फरमाया मैंने वसल्लम को फरमाते हुए सुना झाड़ फूँक तावीज़ और अमलियात ये सब शिरक हैं उनकी बीवी ने कहा देखिए बात यह है कि यहूदी फला रहता है मेरे आँखों में बड़ा दर्द होता है तो मैं जब उसके पास जाती हूँ वो कुछ धागा वगैरह देता है उसको बांध लेती हूँ तो मेरा दर्द कम हो जाता है तो अब्दुल्ला बिन नसर रजी ने जवाब दिया हाँ शैतान जब तुम उसकी मुराद पूरी करते हो तो तुम्हें तकलीफ़ नहीं देता जब उसकी मुराद तुम पूरी नहीं कर रहे हो यानी शर्क के करीब नहीं जा रहे हो इसलिए वो तुम्हारे आंखों में कचोका दे रहा है इसलिए तुम्हें तकलीफ़ हो रही है तो याद रखिए ये धागे ये तावीज़ात इंसान की नफ्सियात में नफ्सिया अमराज में इंसान मुबला हो जाता है हज़र हुजफ़र रजी अल्लाह उन्होंने एक मरीज़ की आदत के लिए तशरीफ ले गए उसके बाजू को छुआ तो मालूम हुआ उस पर कोई धागा बांधा हुआ है पूछा है क्या है मरीज़ ने कहा फ़लाने मुझे ये धागा दम करके दिया हैजैफ़र ने उसे काट दिया और फरमायालैक् मासल तारीक तु अगर तुम इसे पहने हुए फोत हो जाए तो मैं तुम्हारी नमाजी जनाजा भी नहीं पढ़ता अल्लाह अकबर ब रसूल सल्ला वसल्लम का इस धागे को काट काटना या उसे उतारना इस अमल से शदीद नफरत की दलील है अगरचे उस शख्स ने उस धागे को शिफा का एक सबब करार दिया था लेकिन इसबाब तो सिर्फ वही जायज़ हैं जिनका जवाब अल्लाह और उसके रसूल से साबित हो और उसके साथ साथ उन उनबाब पर अतम ना हो बल्कि अल्लाह ताला के अल्लाह ताला तसूल शफा का अकैदा हो हालांकि इस धागे पर रुकिया यानी सही दम किया गया था मगर साहब रसूल ने उसे उतार दिया तो वो चीज़ें जो बज़ात खुशिरिया हैं जिसे तमाम जैसे बहुत सारे लोग तमाइम, मटके तलासी वगैरह तो उसका इस्तेमाल किस कदर ख़तरनाक होगा थोड़ा गौर कीजिए मज़्ज़ भाइयों अहादीस में तावीज़ गंडों को जो शिरक कहा गया शारीन हदीस ने इससे मुराद शिर असगर बताया है मगर बसाओकात ये चीज़ शरिक अकबर का ज़रिया भी बनती है अगर तावीज़ लटकाने वाला अकीदा रखे कि इस तावीज़ के अंदर बीमारी को दूर करने की तासीर पाई जाती है तो ये शिरक अकबर है हाँ कितने लोग हैं मेरे भाई कोई हाथ में धागा बांधा हुआ है कोई गले में धागा बांधा हुआ है कोई कमर में धागा बांधा हुआ है कोई पैर में धागा बांधा हुआ है तमाम तावीज़ात के बारे में पूछते हैं तो कहते हमारी ज़िंदगी की बीमारियाँ और परेशानियाँ दूर करने का ज़रिया है और समझता है कि बंदा इसी में तासीर है याद रखिए शिर्क अकबर हो जाएगा इसीलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तावीज़ लटकाने से सख्ती से मना किया है और मुख्तलित तरीक़ों से उसकी मसीमत बयान फरमाई है हज़रत अकबा बिन आमिर रजील फरमते हैं कि दस आदमियों पर मुश्तम एक वफ्त इस्लाम कबूल करने के गर्ज़ से नबी करीम की खिदमत में हाजिर हुआ सही तरकीब तरहीब की रिवायत है आपने उसमें से नौ आदमियों से बयात ली और एक आदमी से बायत नहीं ली लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल क्या बात है कि आपने नौ आदमियों की बैत ली है और एक आदमी से बायत नहीं ली है आपने फरमाया नफियाजुद्धी तमीमा उसने अपने बाजू में ताबीज़ बांधा है जब उसने ये बात सुनी तो फौरन काट के फेंक दिया तब आप सल अल्लाह वसलम ने उससे बायत ली इस हदीस से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ताबीज़ पहनना कितना बड़ा गुना है नाजर ने कराम नबी करीम सल वसलम एक सहाबी को नसीहत करते हुए फरमाते हैं आए, शायद कि तुम लंबी उम्र पाओ मेरे बाद लोग, लोगों तक ये पैगाम ज़रूर सुना दो जिसने अपनी दाढ़ी में गिराह लगाई या तांत वगैरह का हार अपने गले में डाला या किसी जानवर के पलीत से या हड्डी से इस्तिंजा किया तो मोहम्मद अलैहि वसल्लम उसके इस अमल से बरी है यह अब दाउद की रिवायत है अरब के लोग इंसान की तरह जानवरों को भी तावीस पहनाने पहनाते थे आपने उससे भी मना फरमाया हजरत अबू बशीर अंसारी अंसर रदी फरमाते हैं मैं एक सफर में था आपके साथ था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुनादी को ऐलान करने के लिए भेजा कहा किसी ऊँट के गर्दन में अगर तांत का हार लटकाया गया हो तो उसको काट दिया जाए इसे क्या बात मालूम होती है हमारे माशरे में बहुत सारे लोग जानवरों के गलों में कोई हड्डी बांधा हुआ है कोई ताबीज का धागा बांधा हुआ है हमें नज़र आता है याद रखिए बिल्कुल शर्क है इसके करीबी नहीं जाना चाहिए कुरानी तावीज़ लटकाने का हुक्म क्या है आइए हम जानते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम कुरान की आयत ही तो लोगों को के देते हैं इसमें कोई गलत की कोई क्या गलत बात है हज़रत ानी तावीज़ लटकाने के ताल्लुक़ से सही बात यह है कि चंद वजूहत की बिना पर यह नाजायज़ है साहबाई कराम तबाईन निज़ाम ने इसे नाजायज़ करार दिया है चुनाचे इमाम इब्राहिम नकई जो इमाम अबू हनी फ़रहि के उस्ताद हैं फरमाते हैं कानू कर तमाम वग़ैरक कुरान सहबा कराम तमाम तावीज़ों को नापसंद करते थे क़ा कुरानी आयत से हो या कुरान पाक के अलावा किसी और चीज़ों से हो इसी तरीक़े से इस्लाम ने जहाँ नाजायज़ और हराम तरीक़ों की नशानदही की है वहीं जायज़ और हलाल तरीक़ों की तरफ हमारी रहनुमाई भी की है हर मुश्किल का हकीकी हल और हर बीमारी का सही इलाज इस्लाम में मौजूद है कोई ऐसा मसाला नहीं जिसका हल इस्लाम में ना हो हज़रत अबूजर गफ़र रजील्फरमाते तरक्ख न रसूल सल वसलम अल्लाह के रसूल वसल्लम ने हमें इस हालत में छोड़ कर गए कि आसमान में उड़ने वाले परिंदे में भी अगर कोई था तो आपने उससे भी हमें वाकिफ कराया कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसका इलाज अल्लाह ने अपने बंदों को ना बताया हो आपका इरशाद है कद अंजल लहु शिफ़ा अलिमहु हूमन व जहीहिल हुन अल्लाह नसरुद्दीन अलबा रम्ही ने, ने सदीस को सही हमें जिक्र किया है अल्लाह ताला ने जो भी बीमारी उतारी है उस बीमारी का इलाज भी लोगों को बताया है जो जान लिया वो जान लिया जो नहीं जाना वो नहीं जाना जो जान लिया सो जान लिया और जो नावाफ़ रहा सो ना वाकिफ रहा उसकी तहक़ीक वहाँ तक नहीं पहुँची है ये कहना कि ला इलाज बीमारी है ये सही नहीं है मोमिन इस बात का पाबंद है कि वह अपने मसाइल और मुश्किल अल्लाह के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक हल करें और बीमारियों का इलाज जायज़ और हलाल तरीक़ों से करें इलाज और मसाइल के हल के जो नाजायज़ तरीक़े हैं उनसे वक्ती तौर पर भी कभी फ़ायदा भी हो सकता है मगर इस्लाम उनकी इजाज़त नहीं देता मसलन यही तावीज़ का मसला है आप देखेंगे अगर किसी इंसान को इन तावीज़ों के ज़रिए से किसी को वक्ती तौर पर वक्ती तौर पर उसे कुछ फ़ायदा हो रहा है शरीयत ने कहा उसके करीब तक मत जाओ नाजर कर बसावत नाजायज़ तरीक़ों के ज़रिए से भी इंसान को शिफा मिल सकती है मगर शरीयत ने जिसको नाजायज़ करार दिया हो उसमें बजागिर फ़ायदा भी नज़र आए उसका इस्तेमाल किसी भी सूरत में जायज़ नहीं हो सकता जैसे कि हदीस गुजर चुकी है हज़रत ज़ैनब रज़ील्ला जो अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्ला की बीवी थी वो एक यहूदी के पास जाती थी जो उन्हें दम करके कोई धागा दिया हुआ था जिसके ज़रिए से उनके आँखों में जो चुबन था जो दर्द था वो दूर होता था लेकिन अब्दुल्ल् बिन मसूद रजी अल्लाह मसदी ने कहा ये शैतान का ये शैतान के रास्ते हैं जब तुम उस तरीक़े को अपनाती हो तो वो तुम्हें छोड़ देता है जब तुम उसकी नाफरमानी करती हो तो तुम्हारे आँखों में अपनी उंगली चुभोता है अगर तुम वही अमल करो जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे तो ये तुम्हारे हक हाँ में बेहतर भी होगा और तुम्हारी शिफा याबी के लिए भी मुनासिब होगा तुम अपने आँखों पर पानी के छीटे दो और ये दुआ पढ़ो अदिलनास वीत शाफ़ी ला शिफा शिफाउक शिफा अल्लाह शिफा दिरुसा कमा कितनी प्यारी दुआ है कहा कि तुम ये दुआ अगर अपने आँखों की तरफ छीटे देते हुए ये दुआ पढ़ोगे अये लोगों के परवरदिगार तकलीफ को दूर फरमा दे और तेरी शिफा ही दरअसल शिफा है शिफा अता फरमा क्योंकि तो ही शिफा देने वाला है ऐसी शिफा आता फरमा कि जिसके बाद किसी किस्म की तकलीफ बाकी ना रहे इस हदीस से मालूम होता है कि नाजायज और हराम तरीक़ों से भी शिफा हो सकती है मगर एक मोमिन को उससे इज्तनात करना चाहिए क्योंकि इंसान को गुमराह करने का एक शैतानी हरबा है इसी रास्ते से शैतान इंसान को अक्सर गुमराह करता है इसलिए अहल ईमान को चाहिए कि इस शैतानी फरेब से बचें इस हदीस में इलाज का एक सही तरीक़ा भी बताया गया वो ये है कि आपसे जो दुआएँ साबित हैं उनको पढ़कर दम करने की कोशिश करें नाजरन कराम दम करना नबी करीम की पूरी ज़िंदगी में एक भी ऐसा वाक़ नहीं मिलता कि आपने किसी को तावीज़ लिख कर दिया हो अलब आप से दम करना और करवाना साबित हैस्मान बिन अबिलजी अब ने से शिकायत की जब से वो इस्लाम लाए हैं उनके जिस्म में दर्द सा रहता है अल्लाह के रसूल वसलम ने फरमाया अपने हाथ को जिस्म के इस हिस्से पर रखो जहाँ दर्द महसूस करते हो उसके बाद तीन मरतबा बिस्मिल्लाह कहो फिर सात मरतबे दुआ पढ़ो आज वुदरती ही मिनशर्रीमा अजिद व हाजिर सई मुस्म की रवायत है मैं अल्लाह की ज़ात और उसकी कुदरत की पनाह में आता हूँ हर उस चीज़ से जिसे मैं महसूस करता हूँ और जिससे मैं खौफ करता हूँ हज़रत आयश रजी अल्ल फरमाती हैं कि हम में से किसी को कोई बीमारी लायक होती तो आप अपना दायां हाथ फेरते और ये दुआ पढ़कर दम करते अज हबील बाबनास वीफी ला शिफ़ा लिफा शिफा शिवा अल्लादरसकमा आपलम अपने नवासों को हज़रत हसन और हुसैन रजी को रजीमां कोल्फा के ज़रिए से दम किया करते थे ओए जुकुमा बिकली मिन शर्री कुल्ली शैतान वहाँ इब्न माजा की रिवायत है खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा बीमार हो गए आसमान से जबर सलाम आपकी खिदमत में आए और इन अल्फ़ाज में आप को दम किया बिसमिल्ला का मिनकुल्लीसिका हाउिन हासीदिन अल्लाहफ़ी का अल्लाह के नबीसलम पर दम किया मैं अल्लाह के तमाम नाम लेकर आप पर दम करता हूँ हर उस चीज़ से जो आपको तकलीफ़ पहुँचाए हासीदीन के हसद से और हर नजरबद से अल्लाह आपको शिफा याबी नसीब करे नाजर निकराम इन अहदिस के मुाले से मालूम होता है कि अरब में तवीस का रिवाज आम था उसके कुछ असरात कबूल इस्लाम के बाद भी बाज़ अहले अरब में बाकी थे जिन्हें सहाबा इकराम ने सख्ती के साथ ख़त्म किया इस मामले में हिंदुस्तान का हाल भी अरब जाहिलियत से मिलता जुलता है चूँकि हिंदुओं में ये चीज़ आम है इसीलिए इसके असरा यहाँ के मुसलमानों में भी देखने को मिलती हैं बाज़ लोगों ने इस मामले में नरम गोशे को इख्तियार किया है मस्कुरा हादिस की रोशनी में इन इस मौक़ को सही ये मौक़ हमें सही नहीं मालूम होता है दिलचस्प बात यह है कोई तालीम याफ्ता महजब और संजीदा आदमी तावीज़ लटकाना इसको पसंद नहीं करता ख़ुद उनके गले में भी तावीज़ नज़र नहीं आती जो इसके जवास के कायल हैं तो नाजिराम अल्लाह तबारा को तला से दुआ है अल्लाह हम तमाम को इस्लामी तलीमत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के तोफ़ नसीब फरमाए अल्लाह हम तमाम को उसकी ज़ात पर भरोसा करते हुए ज़िंदगी गुजारने की तोफ़ी नसीब फरमाए अल्लाम आमी व आखिर उदावानी रहामी